नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रॉक 2। मैं आपका दोस्त राहुल और आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे पीक वीक के बारे में, जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का पीक वीक होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर हमें कार्ब्स, वाटर और सोडियम को लॉस करना होता है। कई चाहिए गलती करते हैं कि वो पीक वीक के अंदर हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो पीक वीक के अंदर हमें लो वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए और ज़्यादा रैप करने चाहिए, जिससे आपकी कटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी और मसल क्लियर दिखेगा। पीक वीक के अंदर हमें प्रोटीन डाइट ज़्यादा इंटेक करनी चाहिए, जिसके अंदर हम यूज कर सकते हैं वे प्रोटीन हो गया, बादाम हो गए आपके, और कीवी, चिकन और एग हो गए आपके। और आपको एग वाइट खाना है, ना कि एग के अंदर वाला येलो पार्ट, क्योंकि उसके अंदर साथ में फैट होता है। आपको ओनली एग वाइट खाना है। तो आपका कंपटीशन अगर एक या दो वीक रहते हैं तो आपको एक्सरसाइज के साथ साथ पोजिंग भी स्टार्ट करती है, जिससे शेपिंग शेप और आपकी क्लियरिटी शार्प हो जाएगी पूरी बॉडी। आपको कंपटीशन से 1 वीक पहले अपनी पोजिंग स्टार्ट कर देनी है, जिससे आपकी बॉडी पूरी शार्प हो जाएगी। और कंपटीशन के बाद लास्ट डे में हमको कार्ब लोडिंग स्टार्ट करनी होती है, जिसके अंदर हम फुल डे कार्ब लोड करते हैं धीरे धीरे करके। जिसमें हम खा सकते हैं ब्राउन राइस, वाइट राइस, ब्राउन ब्रेड, और ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर हो गई, शकरकंदी हो गई, स्वीट पोटैटो। उस दिन हमको कार्ब लोडिंग करनी होती है, जिससे हमारा मसल और बॉडी पंप लगेगी और अच्छी शो होगी स्टेज पे। लास्ट डे को हम, अगर हमारा वाटर लॉस नहीं हो रहा, तो हम लास्ट टाइम पे लास्ट 6 की टैबलेट का यूज करते हैं, जिससे बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट 6 का ज़्यादा यूज ना करें, क्योंकि इससे किडनी में प्रॉब्लम होने का भी रिस्क रहता है। जितना भी करें, कोच की मदद से या उनसे पूरी जानकारी के साथ आप लास्ट 6 का यूज करें, असल में तो ना ही करें। अगर आपका कंपटीशन छोटे लेवल का है तो आपको लास्ट 6 का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। गाइज, प्लीज जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, अगर आप ऐसी ऐसी नॉलेज चाहते हैं। और कल को हमारा कंपटीशन है, उसके अंदर हम और भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।